हमारे बंबई में कुछ अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लीली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। अब किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा, ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है लेकिन बड़ी गहरी बात है, और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, लेके आया हूं यहां पे, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है, और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और मुझे फख्र है इस वतन पर, क्योंकि यही वतन है। कई वतन, कई मुसलमान ऐसे वतन नहीं है जहां आप अपने मजहब को खुलकर बयान कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, एक मुल्क ऐसा है जहां पे खुल के कोई भी आदमी अपने अपने मजहब का, अपने जो भी जिस धर्म में हो उसका पालन कर सकता है। और मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को, और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं। अपने मुल्क जहां पे तुम, जिसकी मट्टी के पैदावार हो, इसका नमक कहा है, उसकी भी तारीफ करो। तो जय हिंद बोलने से कताया मत करो, ये मुसलमान की निशानी है। जय आपका मुल्क है, फख्र करो इस पर। आप खुलकर मजलिस कर सकते हो, मातम कर सकते हो, कई जगहों में दुनिया के और मुल्कों में जाओ नहीं कर सकते हैं आप। इस मुल्क ने आपको ये परमिशन दी है। जा अली, बेशक ये नारा हैदली कई जगह नहीं लगते भाई, मैं घूम चुका हूं दुनिया के कई मुल्कों में। तो फख्र करिए आप, और इस मुल्क को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए।